ना दिसंबर में कितनी शादी है। सुना आपने क्या है टीवी के पॉपुलर कपल एजाज खान और पवित्रा पुनिया का शादी को लेकर प्लान। ये साल बुक हो गया शादियों के लिए ना, ये साल बुक हो गया शादियों के लिए ना। एक बार फिर से सुनिए। ये साल बुक हो गया शादियों के लिए ना, है ना दिसंबर में कितनी शादी है। सीजन 14 के घर से पॉपुलर हुई जोड़ी एजाज खान और पवित्रा पुनिया शो के खत्म होने के बाद भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और उनके फैंस यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो शादी के बंधन में कब बंधेंगे। वेल, टेलीटॉक ने जब दोनों से किया सवाल कि दोनों कब अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदलने का कर रहे हैं प्लान, तब क्या कुछ कहना था एजाज और पवित्रा का, आइए आपको भी दिखाते हैं। आज यहाँ पे हम स्वान बन के आए हैं, हंस, हंसों का जोड़ा बन के आए हैं जो कि है भी टच वुड, बट हाँ पार्टियाँ शुरू हो गई तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग पर रीप्लानिंग भी चल रही है, हो जाएगी बहुत जल्दी। नेचुरल प्रोग्रेशन। ये साल बुक हो गया है शादियों के लिए ना, ये साल बुक हो गया है शादियों के लिए ना, है ना दिसंबर में कितनी शादी है। वेल, आपको बता दें कि एजाज और पवित्रा का रिश्ता बिग बॉस सीजन 14 में तकरार के साथ शुरू हुआ था, मगर वक्त बीतने के साथ दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। इनकी केमिस्ट्री देख घर वालों ने भी इन्हें लव बर्ड्स का दिया था नाम। बिग बॉस सीजन 14 के घर के अंदर दोनों ने तो खूब दिखाया था अपना रोमांटिक अंदाज, जिसे फैंस ने किया था बेहद पसंद। हालांकि बिग बॉस सीजन 14 में दोनों का सफर काफी जल्दी खत्म हो गया था, लेकिन इसके बावजूद पवित्रा और एजाज ने अपने फैंस के दिलों में जगह बनाने में हुए थे कामयाब।